अस्सलाम वालेकुम, मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये जो अभी कानून पास हुआ है मर्द के मर्द के साथ शादी, औरत के औरत के साथ शादी, और ट्रांसजेंडर को भी इस तरह से आई थिंक डिग्रेड किया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं आम लोगों से बात करना चाहूँगी कि उनका इस बारे में क्या व्यू है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने सुना होगा ये जो अब कानून स्टार्ट हो रहा है कि मर्द की मर्द के साथ शादी, फीमेल की फीमेल के साथ शादी, आपका इस बारे में क्या व्यू है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत गलत चीज़ है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है? ये बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में पहले ही औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मर्द कम है, और फिर इन्होंने बेवकूफ़ाना हरकत की है कि ट्रांसजेंडर का रूल पास कर दिया। मर्द मर्द के साथ शादी करेगा तो हमारी आने वाली नस्लें, उनको क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा? किसी मामले में कुछ भी नहीं पता चल सकता। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुल्क में ट्रांसजेंडर हैं उन पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो ये चीज़ समझेंगे कि यार हमारा क्या रूल है, इधर क्या किरदार है। वैसे ही उनको इतना जलील किया जाता है तो वो बेचारे और जलील हो जाएंगे कि कुछ लोग जो मज़हब परस्त हैं वो कहेंगे कि भाई ये लोग तैयार होकर फिरते थे तो हमारे मर्द इनको देखकर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने ये कानून पास करवाया। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, बुरी बात है, इसको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कि हम ना तो आने वाली नस्ल को अवेयर कर सकते हैं इस बारे में कि ये क्या चीज़ है, और ना ही हमारे माशरे में मर्द आ सकते हैं। जो भी होगा, एक खूबसूरती हर कोई चाहता है और किसी के भी दिल में आ सकता है। अगर कोई ट्रांसजेंडर बनना चाहता है तो वो उसको कह देंगे कि भाई तुम नहीं बनोगे, घर में चार लोग समझाएंगे। लेकिन जो कानून पास हो गया है उसके मुताबिक तो कोई भी समझाने के लायक राय नहीं, वो घर वालों की नहीं सुनेगा, जाके अपना आईडी कार्ड चेंज करवा लेगा। और फिर उससे बड़ा नुकसान एक ये भी है, बहुत ही बड़ा नुकसान है, कि जब उसके आईडी कार्ड पर ऐसी कोई चीज़ लिखी जाएगी तो वो किसी भी फीमेल वाली जगह पर जा सकेगा। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमारे माशरे के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बहुत ही ऐसी ज़हनियत के होते हैं कि जो गंदगी की तरफ जाती है, तो वो अपने मज़े अपने इंजॉय के लिए इस तरह का आईडी कार्ड बनवा कर तो हर उस जगह पर घुसेंगे जहाँ पर औरतें ही जा सकती हैं। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी तक तो इस चीज़ का पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले 5 सालों में पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, किसी लेवल पर भी नहीं बचेगा। मर्द वैसे कम है और औरतें जो हैं वो वैसे ही तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बच्चियों की शादियां हो नहीं रही हैं, और इससे वो जो है वो लड़कियां अगर कहेंगी कि भाई कल को वो कहेंगी कि हमने भी लड़की के साथ शादी करनी है या ये करेंगे वो करेंगे, फिर तो वो पूरा यूरोप वाला सीन हो जाएगा। और हमारा जो मुल्क है जो इस्लाम के बलबूते पर बना है उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसका कुछ भी नहीं बचेगा। वो अगर लिखा जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, तो वो कलमे से स्टार्ट होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसके बाद क्या रह जाएगा बाकी, उसके बाद क्या रह जाएगा बाकी, कुछ भी नहीं रहेगा, वो कलमा ही ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। और पाकिस्तान का नाम लाइक एक मिनी यूरोप की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे ये इस कानून के तहत, और कोई भी नई चीज़ है ऐसी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यूज़ दिए। आइए हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं कि वो उनके क्या व्यूज़ हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट जो आया है अभी, गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है, मैं समझती हूँ कि ये एक मेरे नज़दीक एज एन मुस्लिम ये मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा एक्ट है, क्योंकि ट्रांसजेंडर के राइट्स हैं सारे हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं, लाइक अगर वो जॉब कर सकते हैं अपनी, हर जो एक आम इंसान कर सकता है उसी तरह से वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो आपस में शादियां कर लें, लाइक जिस तरह से मर्द मर्द से कर रहे हैं या औरत से कर रही है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने भी मना किया है इस चीज़ को। जब एक चीज़ अल्लाह ताला ने मना की है, उसका हुक्म ही नहीं है, तो फिर हम क्यों इस चीज़ को करें? सो मेरे नज़दीक गलत है। बाकी हम क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर के हवाले से मतलब जितना उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है तो वो भी इंसान ही, हर इंसान को राइट्स देने चाहिए, अशरफुल मखलूकात हैं हम, और हर इंसान को ये हक है कि वो इस सोसाइटी में, इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहें। लेकिन ट्रांसजेंडर पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं एम डेट हर सोसाइटी में, हर माशरे में, और हर हवाले से कि कोई भी रूल हो, कोई गवर्नमेंट का रूल हो या फिर कोई लोकल रूल हो, तो
तो ट्रांसजेंडर्स को रूल्स देने चाहिए, वो भी एक इंसान है और हमें इंसानियत को ही बरकरार रखना चाहिए इस दुनिया में। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ट्रांसजेंडर, फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है। अब आप उसको ये नहीं कह सकते वो कौमे लूट से उठ के आए या हम कौमे लूट से उठ के आए हैं। तो काइंडली जो ओरिजिनल ट्रांसजेंडर हैं उनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि ये कौमे लूट से हैं। खुदा ना खास्ता आपके घर में या मेरे घर में कोई औलाद ट्रांसजेंडर पैदा हो जाती है तो उनका क्या कसूर है? तो उनको आप इस तरह से, जिनको पता भी नहीं है कौमे लूट शायद क्या होगी बाय बर्थ, वो इस तरह हो गए हैं, तो फिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो गया आई थिंक। अच्छा, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को कहा जाता है कि ये बेसिकली एक मतलब के जिसम फरोश है, ये भीख मांगते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ऐसे कुछ इकदाम करने चाहिए कि जिस तरह आप मैं हम अब यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ इस तरह के इकदाम किए जाए तो उन्हें ये चीज़ें करने की बिल्कुल हाँ। और बाय बाय जो उनकी फैमिली उनको दिखा देती है सवाल। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि फैमिली को ही सपोर्ट करना चाहिए कि भाई नहीं ठीक है आप उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएं, मज़ीद उसके अलावा उनके लिए आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि भाई ठीक है आप ट्रांसजेंडर है इट्स ओके, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग समझ के उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए होती हैं। जी बिल्कुल, अगर ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात की जाए, जो बिल पास हुआ है, ये बिल जो है अभी पास नहीं हुआ था, ये 2018 में पास हुआ था, जिसकी मंजूरी जो थी वो आयाज सादिक साहब ने दी थी। तो इसमें ये है कि अगर ट्रांसजेंडर अपने जेंस का, अगर उसको लगता है कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, वो अपनी शनाख्त मुतारिफ करवाता है तो उस हद तक ठीक है, लेकिन अगर इसके बरअक्स अगर बात की जाए कि आम एक लड़की उठ के आ जाती कि भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं मर्द हूँ तो मैं अपनी शनाख्त मर्द लिखवा लेते या मैं औरत हूँ मैं अपनी शनाख्त कुछ और लिखवा देते तो फिर ये गलत है, क्योंकि इससे जो हमारे माशरे में ना जिंस परस्ती को फ़रोग मिला और जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हम जो फॉरेन कंट्रीज़ में हम इन चीज़ को देखते हैं वहाँ पर तो ये होता रहता है, लेकिन बीइंग अ इस्लामिक माशरे में रहते हुए तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर की हद तक बात की जाए तो वो ठीक है, क्योंकि उनमें उनके हकूक़ के बारे में बात की जाती है, उन्हें माशरे से निगलेक्ट किया जाता है, वो भी माशरे का एक अहम हिस्सा है, उनको भी एक शनाख्त मिलनी चाहिए।